हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड जिन मेरे फ्रेंड्स ने आरआरबी एंड लोको पायलट का फॉर्म फिल किया हुआ है वो मेरे इस वीडियो को फ्रेंड जरूर देखेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड जो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं फ्रेंड वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स एंड फ्रेंड ऑल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फ्रेंड जितनी भी न्यूज होती है फ्रेंड आपको सब मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड अपना इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटोमेटिक प्लांट कौन सा है। फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटा ग्रह है, फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुध। फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान कौन सा देश है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूसी संघ। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्वेस्टर प्रोडक्ट फंड किस संस्था स्थापित किया है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, सेबी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ परिसंस्कृति संस्थान कहाँ है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, कर्नाटका राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम बहुद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, ए और डी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा शहर को किसने बसाया। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, आगरा शहर को किसने बसाया। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ट शब्द सत्यमेव जयते किस धर्म से लिए गए हैं। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, मुंडकोनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, बरहाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीऊ निवलिंग में से किसका लोक प्रतिनिधित्व है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार जैसे पूछा गया है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, असम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जैसे पूछा गया है। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स,
देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी को अंधगंगा फकीर किसने कहा? इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी में से किसके अधिक प्रभावित थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1869 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोसी। को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए फ्रेंड तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स फ्रेंड और ऑल गवर्नमेंट जॉब से फ्रेंड जितनी भी न्यूज होती है फ्रेंड उन सबका अपडेट मिलता है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल से फ्रेंड जल्दी से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।